नेक्स्ट वीडियो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ये वीडियो नंबर हमारी 4 है, इससे पहले 3 वीडियो में बना चुका हूं, अगर नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको ये नेक्स्ट कंटेंट का पता चलेगा। तो बढ़ते हैं अपने कंटेंट पे। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहले ये वर्ड समझना बहुत जरूरी है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। हमने डिमांड समझा कि एक नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का, ठीक है। अब हमने सीखना इलास्टिसिटी, हमें ये तो पता लग गया कि नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन कितना होता है हमको ये नहीं पता है। तो उन चीजों को मेजर करना, इलास्टिसिटी का बेसिकली मतलब होता है कि चेंज होना किसी भी चीज में। हम इसके 3 मेथड है बेसिकली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, बेसिकली वो ये है कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो जो चेंज हुआ ना उसको निकालने के कुछ 4 मेथड है, ये मैं आपको सारे बताऊंगा एक एक करके। उसके बाद सेम इनकम, इनकम भी तो हम लोगों की बढ़ती है घटती है, उसकी वजह से भी हमारे डिमांड पे असर होता है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इनकम की वजह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना फर्क पड़ा, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब गुड्स से, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये आपको मैंने बता रखा है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स वो होते हैं जो एक की बजाय दूसरा ले लेना, मतलब जैसे टी नहीं तो कॉफी, या तो टी या तो कॉफी, सिंपल सा, ठीक है। और वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री, कार या पेट्रोल, सॉरी कार एंड पेट्रोल, ये दोनों एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं चल सकते। जैसे कोई भी चीज होगी जैसे कार और पेट्रोल, विदाउट कार, विदाउट पेट्रोल तो कार चलाएंगे नहीं। तो ये सब चीजें हम अभी सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये 3 टाइप है जिनको हमने ब्रीफ में पढ़ना है, और यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन इस वाले से तो बहुत आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं, इससे इतने चांसेस कम है अभी, इससे भी बहुत आ चुके हैं। ये तो मेन है उनके टारगेट यूजीसी नेट के, ठीक है। ये 2 और ये 4 मेथड, ये आपको मैं अभी ब्रीफ में एक एक करके बताने लगा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा ये पहला मेथड जो है ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आता है, परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड बेसिकली, पहले इसके नाम याद रख लो क्योंकि यूजीसी नेट में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ चुका है ये। परसेंटेज मेथड का दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट मेथड, तीसरा नाम है रेशियो मेथड, मैथमेटिकल मेथड और फ्लक्स मेथड। ये फ्लक्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स इसलिए नाम है इसका क्योंकि इसको फ्लक्स इकोनॉमिक्स है उन्होंने दिया हुआ, ठीक है। उन्होंने इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे दिया था, ये नेगेटिव साइन पक्का रहेगा हमेशा, ठीक है। कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं, परसेंटेज चेंज, ये ट्राइंगल मींस चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना फर्क पड़ा, इस फॉर्मूले से जो डॉक्टर फ्लक्स ने दिया हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले की कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं क्लास 12th की बुक में, वो भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एज पर यूजीसी हमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं आते हैं, इनफैक्ट हमें सिर्फ यही एमसीक्यू में आ जाते हैं कि वही इनके नाम क्या थे। अच्छा फॉर्मूले पे लिमिटेड आए हैं न्यूमेरिकल, ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आए हैं। तो हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसको अगर फॉर्मूले को मैं ड्राइव करूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को ऐसे लिखोगे Q1 - Q0, ये 1 क्या है, लेटेस्ट प्राइस जो होगा, सॉरी लेटेस्ट जो क्वांटिटी डिमांड होगी, और ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांड होगी, दोनों को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई इनिशियल से नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम प्राइस के लिए भी करेंगे P1 - P0 / P0, ठीक है, यही वाली चीजें into 100 क्योंकि परसेंटेज मेथड है। अच्छा इसी को आगे कन्वर्ट करूं, अगर ये तो आपको पता ना Q1 - Q0 ऐसे रहेगा, ये सारी चीज उधर आके डिवाइड होगी, ठीक है। इसको आगे लेके चलिए, डिवाइड वाली चीज को जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो तो ये जो चीजें होती हैं ये इन्वर्ट हो जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। तो देखिए उल्टा हो गया जब आपने इनटू किया। अच्छा उसके आगे इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा क्यूब, कहा ना स्टार्टिंग में ही वाला, इस पूरे को हम डेल्टा क्यूब बोल देंगे, और इसको हमने Q0 ही लिखा, इसको P0 लिखा और इसको डेल्टा P लिखा। अब आप इसको ऐसे रखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी न्यूमेरिकल आएगा आपको इनिशियल प्राइस दे रखा होगा, इनिशियल क्वांटिटी डिमांड दे रखी होगी, या फिर करंट प्राइस दे रखा होगा, या करंट क्वांटिटी डिमांड दे रखी होगी, आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालने को बोलेगा। तो सीधे फॉर्मूले में डालना है और निकाल देना है, लेकिन मैं फिर बोलूंगा इनके नाम पक्का याद रखिए, यूजीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेकंड मेथड में चलती है, वो है आर्क मेथड। आर्क मेथड का दूसरा नाम है मिड पॉइंट मेथड, और इसको दिया था डल्टन ने, नाम याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आर्क मेथड किसने दिया था, डल्टन ने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस नेगेटिव साइन हमेशा याद रखना, ये भी वही है परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू जिसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब बोलोगे इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में तो कोई फर्क ही नहीं है, सेम तो है लग भी रहा है ना, लेकिन कुछ फर्क है तभी तो ये फॉर्मूला आया। फर्क क्या है, देखिए हमने जब यहां किया था, हमने यहां पे क्या किया था, देखिए हमने सिर्फ पुराने वाली क्वांटिटी डिमांड और पुराने वाले प्राइस को कंसिडर किया था, लेकिन आर्क मेथड में ऐसा नहीं है। आर्क मेथड में क्या है कि जो पुराना है और जो नया है दोनों को कंसीडर करके उनकी एवरेज निकाल के उसके साथ उसको डिवाइड किया, बाकी सेम है, समझ आया, ठीक है। तो वही किया मैंने, देखो Q1 - Q0 Q1 + Q0, हमने यहां पे क्या किया था, सिर्फ Q0, हम सिर्फ पुराने वाले को देखते थे, लेटेस्ट जो क्वांटिटी डिमांड का जो लेटेस्ट प्राइस है
उसको हम इग्नोर करते हैं, डिमांड जो है उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू करना है, इधर भी प्राइस के साथ भी सेम ये करना है, इन 200 लास्ट में पास कुछ ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको हम ड्राइव करके क्वेश्चंस में डालेंगे, क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो सब आपको पता लगे दोनों फॉर्मूले, इनका डिफरेंशियल पक्का बताना चाहिए। मैंने लिख दिया नीचे परसेंटेज मेथड, यह मेथड है परसेंटेज मेथड डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द न्यू प्राइस फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज हेंस और न्यू क्वांटिटी डिमांड। ये मैंने वही बोला है, परसेंटेज मेथड जो है वो जो न्यू प्राइस और जो न्यू क्वांटिटी डिमांड है उसको टोटली इग्नोर कर रहा है। देखिए यहां पे सिर्फ पुराने वाले को देख रहा है, न्यू वाले को ना तो क्वांटिटी डिमांड में देख रहा है ना तो प्राइस में देख रहा है, तो इग्नोर होना। लेकिन आर्क मेथड ऐसा नहीं है, आर्क मेथड कंसिडर चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड With respect to the midpoint average price, मतलब कहने का मतलब आर्क मेथड ऐसा नहीं कर रहा, आर्क मेथड क्या कर रहा है, दोनों को कंसिडर कर रहा है, पुराने को भी और न्यू को भी, दोनों को कंसिडर करके डिवाइड करके आगे कंटिन्यू कर रहा है। अब इसका एक क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ चुका है पहले भी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज क्या है। तो आपको रेंज याद रखनी है, इट इज जीरो मेथड है, वो है ज्योमेट्रिक मेथड। ये ज्योमेट्रिक मेथड बेसिकली दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, आपको ये नाम याद रखना है। इस मेथड का कुछ नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस आपको अगर चेक करनी हो, इस मेथड का तरीका क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाई अपर सेगमेंट। फॉर्मूले का कुछ ग्राफ ऐसा होगा, इसी एक में आप इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जीरो भी निकाल सकते हो, वन ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लेस देन वन एंड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये सारे के सारे बेसिकली ज्योमेट्रिक मेथड में एक सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिक मेथड में आप एक स्ट्रेट लाइन पे सारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो भी डिमांड की प्राइस की वजह से डिमांड में फर्क पड़ा है वो एक लाइन में आप निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो डिग्री होती है ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में इसमें काफी बार आ चुके हैं क्वेश्चन कि परफेक्टली इनलास्टिक कब होती है, अच्छा मोर इलास्टिक कब होती है, रिलेटिवली इलास्टिक कब होती है, वगैरह वगैरह, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डिग्री सबसे पहले मैं ये कुछ लिखी हुई है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू जीरो लेस देन जीरो लेस देन वन इक्वल्स टू वन ग्रेटर देन वन एंड इक्वल्स टू इनफिनिटी, मतलब इलास्टिसिटी जहां पे आपकी इनफिनाइट होगी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इसमें क्या है, मैंने इसको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा आपको। पहले ये जो मैंने चार पांच वर्ड सब में लिखे हैं इनको क्रैम कर लो, ये इसलिए लिखे क्योंकि यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने वही सर्च लिखे। देखो आपको ये पूछ सकता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जीरो होती है तो उस टाइम पे वो कैसे शेप करता है भाई, वो वर्टिकल टू वाई एक्सिस होता है, वर्टिकल टू वाई एक्सिस, और वो होता कैसा है, परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा इसमें देखिए इसमें कैसा होता है, जब इस कंडीशन की बात करेंगे जब वो लेस देन वन होगा तो वो स्टीपर होगा, मतलब ये शेप जा रही है, और वो होगा कैसा, लेस इलास्टिक। और इस कंडीशन में कैसे होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर यूनिटरी इलास्टिक। ये एक रेक्टेंगुलर है, मतलब बराबर एरिया, ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, देखिए यहां पे फ्लैटर बन रहे, फ्लैट कर्व बन रहा है और ये मोर इलास्टिक है, अभी समझाता हूं आपको। और यहां पे इस वाले कंडीशन में हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, ये नीचे हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोल लो, परफेक्टली इलास्टिक। अब ये तो हो गया, आपने समझ लिया इनको क्रैम करना है, लेकिन क्रैम करोगे जितना मर्जी ये कहीं ना कहीं आपको भूल जाएगा, रिसेंबल हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक एग्जांपल देता हूं, देखो सबसे पहले यहां पे समझ लो, हमें ये समझना है कि कब परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। याद तो जिसकी क्रैम पावर अच्छी हो तो कर लेगा, जो मेरे जैसा बेचारा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या करना है? तो अब ये जो हमारी डिग्री है इसको आपको अगर पहले वाला याद रखना है तो आपको कैसे याद रखना है, देखो हमने क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का एक रिलेशन पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड में, अगर तो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसी का वाइस वर्सा, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं ना। अब यहां पे ये कुछ इलास्टिसिटीज हैं, कोई ग्रेटर देन वन है, कोई लेस देन वन है, कोई इन्फिनिटी की इक्वल टू है, कोई इक्वल टू जीरो है, आपको ये सब समझना है। सबसे पहले वाले की बात करूं जहां पे इक्वल्स टू जीरो है, ये पहले याद कर लेना वर्टिकल टू वाई एक्सिस है, और दूसरा याद कर लेना परफेक्टली इनइलास्टिक है। अब एग्जांपल कहते हैं, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पे क्या होता है, इस वाले इस ग्राफ को समझने के लिए ताकि आपको भूल नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहे, यहां मान लेते हैं कि आपको ना पापा ने थप्पड़ मारा, पापा की एग्जांपल लेते हैं, पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, ये आप हो ये पापा है, मान लेते हैं क्वांटिटी डिमांड आप हो पापा, पी फॉर पापा ही मान लो, प्राइस को पापा मान लो, पापा ने एक थप्पड़ मारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अपने, फिर दूसरा मारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तीसरा मारते तब भी रिस्पॉन्स नहीं देते क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं, पापा में थोड़ी हाथ उठाएंगे। कहने का मतलब प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए ये नहीं हिलने वाला, तो पापा जितना मर्जी मार ले इस बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शॉर्टकट में बोलू, जब किसी चीज पे कोई असर नहीं पड़ता तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, इलास्टिक नहीं है इन इलास्टिक, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे लेस देन वन है, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया बड़े भाई का, बड़े भाई का सुनो। अब मान लो कि आप जैसे थे, ये आपका इनिशियल प्राइस, ठीक है, इनिशियल डिमांड थी आपकी, बड़े भाई ने आपको थप्पड़ मारा, ऐसा तो नहीं है कि आप चुप रहोगे, कुछ तो करोगे,
तो जितना उसने मारा उतना तो नहीं मारोगे लेकिन थोड़ा मारोगे। देखो यहाँ का गैप से आपको समझ आएगा, बड़े भाई ने जब आपको थप्पड़ मारा ना तो आपने उसको थोड़ा सा रिएक्शन दिया, वो जो रिएक्शन है वो हो जाएगा लेस इलास्टिक, थोड़ा दिया आपने। तो इसको मार्केट की वैल्यू में समझना हो, जब भी प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है ना तो क्वांटिटी डिमांड में हल्का सा फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता हल्का सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे लेस इलास्टिक या स्टीपर। ये नाम, ये दोनों नाम आपको याद रखने, ब्रदर फादर ये वगैरह भूलना तो भूल जाना, इसका कोई नहीं, सब समझाने के लिए। अब तीसरी कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स टू वन, यहां देखना। अब आपका मान लो दोस्त है, दोस्त तो आपको मारेगा आप तो उसको इक्वली करोगे, ऐसा थोड़ी एक ही खा के आ जाओगे, कमजोर तो नहीं हो आप। अब दोस्त आपको मारता है, मान लो जितना ये इनिशियल था वो यहां से आपको इतना थप्पड़ मारता है, एग्जांपल पे आपकी जो क्वांटिटी इनिशियल थी ना वहां से आप भी उसको उतना ही रिस्पॉन्स दोगे जितना उसने दी है। तो कहने का मतलब जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी क्वांटिटी डिमांड घटेगी। जब ऐसा होता है उसको बोलते हैं इक्वली बोल लो या यूनिटरी इलास्टिक या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है, किस में आता है, आपको याद रखना है यूनिटरी इलास्टिक जहां पे इक्वल्स टू वन हो। यहां पे क्या है, जो हमारा तीसरा है ना ये ग्रेटर देन वन, इसमें क्या स्मॉल ब्रदर है, फ्लैटर बोल लो या मोर इलास्टिक बोल लो। इसमें क्या देखो, हमने यहां पे सीख लिया फ्रेंड की वजह से क्या होगा, बिग ब्रदर और फादर की वजह से। अब छोटे भाई, अब आपको मान लो छोटे भाई ने थप्पड़ मारा, मारा तो ठीक है, अब आप उसको बर्दाश्त थोड़ी करोगे, उसने थोड़ा सा मारा लेकिन आपके हिसाब आपकी साइड से जो मुक्के आए लात गुस्सा जो आई ना वो थोड़ी ज्यादा आई। कहने का मतलब छोटे भाई का रिएक्शन से आपने ज्यादा फर्क पड़ा। अब इसको मार्केट की भाषा पढ़ते हैं, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा फर्क पड़ा, ये तो हो गया हमारा कौन सा मोर इलास्टिक, थोड़े से रिएक्शन प्राइस के होने से आपकी जो डिमांड में है ज्यादा फर्क आया। लास्ट इसमें क्या है कि इन्फिनिटी है। अब मान लो कि आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन वो तो बिना बोले भी आप उसको दोना स्टार्ट कर दो, बस मौका मिल जाए जगह मिल जाए फिर छोड़ोगे नहीं आप उसको। तो इसको याद रखना हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है नीचे, ये उसके हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलो और परफेक्टली इलास्टिक है। अब भाई सीधी सीधी बात है, दुश्मन आपको अगर मिल जाए आप नहीं देखोगे कि आप वो कहां पे मिला है क्या कर रहा है, आप प्राइस के बढ़ने से फर्क ही नहीं पड़ता, बस आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी, मतलब उसको मारना स्टार्ट कर दोगे। तो ये मार्केट की भाषा में डिमांड बढ़ना और फ्रेंड की एग्जांपल की भाषा में आप उसको धोना स्टार्ट कर दोगे, मतलब मारना स्टार्ट कर दोगे। तो ये थे हमारे कुछ डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने इसलिए समझाया क्योंकि इससे एमसीक्यू डायरेक्ट आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कब होती है, उसमें ये वर्ड कौन कौन से है, मोर इलास्टिक परफेक्टली, ये जो वर्ड है ना ये सबसे पहले क्रैम करो, इन वर्ड को अच्छे समझ लो, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, लेस इलास्टिक क्या होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है। इनको जितनी जल्दी क्रैम कर लोगे समझ लोगे, इस एग्जाम्पल को समझ लोगे, आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। इसी चीज को इन्होंने डिग्री इसमें ज्योमेट्रिक मेथड बता दी है, ये एक स्ट्रेट लाइन में बता दी है, वही चीजें इन्फिनिटी ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लेस देन। तो ये कुछ हमारी इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिक मेथड है ना, तो इसमें आपको यही याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इन्फिनिटी ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन लेस देन वन और इलास्टिसिटी प्राइस जीरो। इसी को ये जो हमने डिग्रियां की हैं इसी को इन्होंने एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया, जिसकी वजह से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी डिमांड की प्राइस को इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस को हम निकाल सकते हैं, ठीक है।